हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक हिंदी टेक्नोलॉजी चैनल एपी टेक्निकल गुरु पर। फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्त एपी। फ्रेंड्स इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट कार एंड बाइक न्यूज़ और लेटेस्ट स्मार्टफोन और गैजेट रिव्यू। तो फ्रेंड्स जुड़ें इस चैनल के साथ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर और बेल के आइकॉन को केवल एक बार लाइफ में क्लिक करना है और आप फ्री में बन जाएंगे इस चैनल के मेंबर और टेक्नोलॉजी से अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप पहले से इसे सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका धन्यवाद। फ्रेंड्स एक न्यू न्यूज़ आई है जिसमें जब आप नई गाड़ी लेंगे अपने लिए तो उसमें आपको 1,00,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। इसकी डिटेल्स हम आपको बताते हैं कि किस तरह आप इस सब्सिडी को ले सकते हैं और किन गाड़ियों पर ये मिल रही है। चलते हैं हम अपनी न्यूज़ की तरफ। दोस्तों भारत सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है और जिसके लिए बजट भी जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप कुछ स्पेसिफिकेस गाड़ियों और टू व्हीलर्स पर अपने लिए 1,00,000 रुपये तक की सब्सिडी पा सकते हैं डायरेक्ट। इनमें से कुछ ऐसे फंक्शन हों जिन पर ये आपको दी जाएगी सब्सिडी। तो फ्रेंड्स ये सब्सिडी मिल रही है पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार उन बाइक्स पर या उन फोर व्हीलर्स पर जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होंगे और इसका कैलकुलेशन होगा पर किलोवाट के हिसाब से। फर्ज कीजिए आप को इलेक्ट्रिक वाहन परचेज करने जा रहे हैं और उसकी पावर है 1 किलोवाट, तो आपको उस पर मिलेगी 10,000 की सब्सिडी यानी गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर 10 kV का कोई वाहन है तो आपको मिलेगी 1,00,000 रुपये की सब्सिडी यानी 1,00,000 रुपये का डिस्काउंट गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल जाएगा, उस पर छूट मिलेगी। ये सिस्टम लागू कर दिया गया है तो आगे जो भी वाहन आप परचेज करेंगे आप इसका बेनिफिट उठाइए। इसके अलावा एक और न्यू कानून लागू किया गया है फ्रेंड्स, हाई सिक्योरिटी के लिए। फ्रेंड्स हाई सिक्योरिटी के लिए अब न्यू टाइप की नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है। ये प्लेट होंगी HSRP क्रोमियम की जिन पे लेजर से सभी कोड अंकित किए जाएंगे और ये नंबर फ्रेंड्स इस तरह के होंगे कि दिन और रात में विजिबल होंगे यानी कभी भी आप इन्हें देख सकते हैं, जिस कारण कोई भी अपराधी इनसे छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे और कोई अपराध करके नहीं भाग पाएंगे। ये सुरक्षा मानकों में एक ज़बरदस्त अपडेट किया गया है। ये थी हमारी सेकेंड न्यूज़ फ्रेंड्स। तो आप सब्सिडी ले सकते हैं अपनी गाड़ियों पर, ध्यान रखिए जब भी कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों को हरित एनर्जी के ऊपर, ग्रीन एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है। वो इस बारे में जो भी वाहन आ रहे हैं उन पर सब्सिडी देने जा रही है। और भी लेटेस्ट प्लान आने हैं जो 2030 का विजन है जिसमें कि सभी वाहनों को इलेक्ट्राइज किया जाएगा। हो सकता है इस तरह की टेक्नोलॉजी भी आ जाए ऐसा सुन रहे हैं जिसमें कि आप अपने ओल्ड वाहनों को भी अपडेट कर पाएंगे इलेक्ट्रिक सिस्टम से। तो फ्रेंड्स जुड़े रहें इस चैनल के साथ लेटेस्ट न्यूज़ के लिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल के साथ जुड़ें नई टेक्नोलॉजी के साथ। और दोस्तों हम मिलेंगे और अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टेक्नोलॉजी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और गुड बाय।